चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50, रूस का MiG-35 और Yak-130, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए भारत का लड़ाकू विमान तेजस विदेशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जी हां, ये 100% सच है। और इस लड़ाकू विमान की डिमांड अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ती चली जा रही। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम, आप देख रहे हैं 100%। दरअसल मलेशिया भारत के तेजस फाइटर जेट को खरीदकर अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल करने वाला है। दोनों देश इस रक्षा खरीद को लेकर बातचीत की टेबल पर भी आ चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत रक्षा क्षेत्र निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएगा। अब तक भारत विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, इस लिहाज से ये खबर हमारे लिए काफी अच्छी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजस बनाने वाली भारत की सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा कि भारत के तेजस ने चीन, दक्षिण कोरिया और रूस के विमानों की प्रतिस्पर्धा के बीच बाजी मार ली है। आर माधवन ने यह भी कहा कि अगर मलेशिया के साथ भारत का ये सौदा पूरा हो जाता है तो इससे तेजस के लिए बाकी देशों के रास्ते भी खुल जाएंगे, बहुत अच्छा संकेत देगा और विमान के निर्यात में भी तेजी आएगी। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण मलेशिया रूसी मूल के सुखोई 30 लड़ाकू विमान के रखरखाव और कलपुर्जों की खरीद नहीं कर पा रहा है। ऐसे वक्त पर भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए मलेशिया को SU-30 के रखरखाव, मरम्मत और उसके कलपुर्जों के बदलाव की पेशकश कर रहा है, जो किसी भी दूसरे देश ने अब तक नहीं किया है। दोनों देशों के बीच इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए मलेशिया के उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम के जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। हालांकि मलेशिया भारत से कितने तेजस विमान खरीदने वाला है ये अब तक साफ नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया के 84 देशों को रक्षा से जुड़े उपकरण और हथियार बेचता है। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे बड़े देश शामिल हैं। नेपाल, मालदीव और मॉरिशस को भारत ध्रुव हेलीकॉप्टर निर्यात करता है। इसके अलावा भारत रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस का निर्यात भी करता है। जनवरी 2022 से ही भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा किया था। साथ ही वो इजराइल, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का निर्यात भी करता है। उसने जर्मनी, कंबोडिया, मेक्सिको और सऊदी अरब को आर्मर शील्ड भी बेचे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 तक भारत के हथियार निर्यात को $5 अरब कर दिया जाएगा। हालांकि दुनिया भर में हथियारों के आयातक के रूप में अपनी छवि रखने वाले भारत के लिए खुद को हथियारों का महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में स्थापित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।